दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि फ़ोटो का बैकग्राउंड कैसे हटाते हैं। तो दोस्तों, अक्सर आपने बहुत सारी वीडियो में देखा होगा या फिर फ़ोटो में देखा होगा कि पीछे कितना अच्छा लुक रहता है। तो दोस्तों, अक्सर ये ऐसा होता नहीं है, उसको हटाया जाता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको यही बताऊँगा, ठीक है दोस्तों। तो प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद सर्च बार में आपको सर्च कर रहे हैं बैकग्राउंड इरेजर। दोस्तों, इस एप्लीकेशन की मदद से आप आसानी से पीछे का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों बैकग्राउंड इरेजर, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। 10 मिलियन लोगों ने इसको डाउनलोड किया है, इसकी रेटिंग भी अच्छी है। ठीक है दोस्तों, आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। और एक एप्लीकेशन और आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका नाम है पिक्स आर्ट दोस्तों। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, ये पिक्स आर्ट का लोगो। तो आप इससे हम फोटो को जोड़ेंगे और बैकग्राउंड इरेजर से हम फोटो का बैकग्राउंड चेंज करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, हम पहले सबसे पहले बैकग्राउंड इरेजर ओपन करते हैं। बैकग्राउंड इरेजर खोलने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा आएगा। ये लोड अब फोटो पर क्लिक कीजिएगा और जिस फोटो के पीछे का बैकग्राउंड हटाना है आप उसको फोटो को क्लिक कीजिएगा। तो सिंपल सी बात है, मैं अपना फ़ोटो सेलेक्ट करूँगा यहाँ पर। आप अपना फ़ोटो यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो ये रहा मेरा फ़ोटो, यहाँ से हम डन करते हैं इसको। चलिए दोस्तों, तो अब बारी आ गई है इसको मिटाने की, यानी कि बैकग्राउंड को चेंज करने की। तो दोस्तों, यहाँ पे जो ऑटो का ऑप्शन है, ऑटो पर आप क्लिक करिए। और ये जो यहाँ पे प्लस का जो साइन बनाया ना, ये रेड कलर का सर्कल के बीच में प्लस का साइन, आप इसको इधर बाहर ले जाइए। और देखिए दोस्तों, इतना बढ़ गया इधर से, ये देखिए। और ध्यान रहे दोस्तों, ये आपके मतलब ना आए, नहीं तो ये एडिटिंग ख़राब हो सकती है। यदि आपको अच्छी एडिटिंग चाहिए, ताकि कोई कहे ना कि ये फ़ोटो एडिट किया हुआ है, तो आपको बारीकी से एकदम इसको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो ऑटो का था, ऑटो में इतना हो गया। अब आते हैं मैनुअल पे। मैनुअल पे क्लिक करने के बाद हम ब्रश की साइज़ को बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम इतना पे करते हैं, उसके बाद इसको आप साइड से हटा दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो मैं तो अभी हटा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये देखिए, अब चारों तरफ से मेरा पीछे का हट चुका है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ऐसे, तो इसको हम, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये चारों तरफ से हमारा हट चुका है बैकग्राउंड पीछे का, देख लीजिए ध्यान से दोस्तों। कहीं कहीं दोस्तों अक्सर पैरों के बीच में या फिर हाथ वाथ के बीच में ऐसे तो फंस रहता है, तो उससे पता चल जाता है कि आपको फ़ोटो एडिटिंग किया हुआ है। तब इस ब्रश के साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, छोटा करके तो फिर आप यहाँ से ऐसे धीरे धीरे अंदर की भी एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गया है मेरा, तो चलते हैं। अब इसको यहाँ से डाउन पे क्लिक कर दिए, फिर से सेव पे जाते हैं। सेव करने के बाद फिनिश पे क्लिक करते हैं, उसके बाद इसको हम ओपन कर देते हैं। अब बारी आती है पिक्स आर्ट की, पिक्स आर्ट को ओपन करते हैं। पिक्स आर्ट को ओपन करने के बाद आपके सामने ऐसे स्क्रीन खुलेगा। आप इस प्लस वाले पे क्लिक कीजिएगा और एडिट पे क्लिक कीजिएगा। और दोस्तों, जैसे कि आप पीछे में आप क्या रखना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप कोई सा भी फ़ोटो गूगल से डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर कहीं से भी, मतलब आपको ये मतलब कोई सा भी फ़ोटो पीछे रखना है। तो जैसे कि मैं रखूँ, ये वाला फ़ोटो पीछे रखना है, तो मैं इस फ़ोटो को क्लिक कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर और भी मतलब बहुत सारी, आप जो भी फ़ोटो जहाँ से भी सेलेक्ट कर ले कर लीजिए, जैसे भी आपको सेलेक्ट करना है पीछे के लिए, ठीक है। तो आप इसमें कुछ एडिटिंग वगैरह करना चाहते हैं, तो आप इफेक्ट्स में आपकी मर्जी एडिटिंग करना चाहते हो कट कर सकते हैं। मैं तो देख ले रहा हूँ,
और भी बहुत सारे यहाँ पे मिलेंगे आपको। तो ये वाला ऐसे ही सिंपल ही रहने दीजिएगा दोस्तों। उसके बाद एडिटिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद ऐड फोटो पर क्लिक कीजिएगा। ऐड फोटो पर क्लिक करने के बाद आपने जो वहाँ से बैकग्राउंड हटाया था उस वाला फ़ोटो यहाँ पर रहेगा, तो इस पर आप क्लिक कीजिएगा और ऐड पर क्लिक कर दीजिएगा। ऐड पर क्लिक करने के बाद आप इसको यहाँ से बड़ा छोटा कर सकते हैं, तो फोटो को छोटा करके लगाइएगा ताकि समझ में आएगा कि, अब ज़्यादा बड़ा कर देंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये फोटो एडिटिंग किया हुआ है, तब इसको छोटा कर लीजिएगा। ज़्यादा छोटा भी नहीं, ठीक है दोस्तों। अब इसको जूम कर सकते हैं दो उंगली के इशारों से, ठीक है दोस्तों। तो ये तो मेरा फोटो लगभग हो चुका है। अब इसको यहाँ पे आप टिक कर जहाँ भी लगाना चाहें लगा सकते हैं इस फोटो को। तो यहाँ पे मैं बीच के उसके करना, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप टिक पे क्लिक कीजिएगा, फिर स्पीड पे क्लिक करके आप इसको गैलरी में सेव कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो हम गैलरी में देखते हैं। तो हम अपना गैलरी खोलते हैं और ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों कितनी अच्छी एडिटिंग हुई है। और समझ में भी नहीं आ रहा है कि मतलब एडिटिंग किया हुआ है या फिर, तो दोस्तों ऐसे ही मैंने बहुत सारी फोटो एडिटिंग की है, जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये वाली फ़ोटो एडिटिंग की है, ये वाला है, ये फ़ोटो मैंने एडिटिंग की है बैकग्राउंड चेंज करके, ये वाली बहुत सारी फ़ोटोज है जो मैं बैकग्राउंड हटा के, मतलब ये भी दोस्त देखिए, ये भी मैं ऐसे ही किया हूँ, गूगल से फोटो डाउनलोड करके लगाया गया है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।